गुड मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका पार्टनर एचपी वशिष्ठ, प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी टीम से बात कर रहा हूं, जितने भी मेरे पार्टनर्स हैं, लीडर्स हैं, उन सभी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, उनकी डिमांड को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, हमारी कंपनी नई है, मार्केट सारी खाली पड़ी है, टीम बड़ी आसानी से बन जा रही है, राइट और हमारे पास में, क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइस बिल्कुल वाजिब है, क्वालिटी बहुत शानदार है और बिजनेस प्लान तो बहुत ही खूबसूरत है, तो टीम तो बन गई। अब टीम में चैलेंजेस कुछ ऐसे आ रहे हैं जो बड़े अजीबोगरीब हैं, जिनको लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको यह भी नहीं समझ में आ रहा है ये चैलेंजेस क्या है। तो आज ये वीडियो वो चीजों को, प्रॉब्लम को बताने और उनका सॉल्यूशन कराने के बारे में है। तो बड़े ध्यान से देखना है, आप पुराने नेटवर्कर हैं या नए नेटवर्कर हैं, बिजनेस कर चुके हैं या करना चाहते हैं, आप सबके लिए ये नियमावली है किस्म से। अगर इस नियम पे जो चलेगा वो कामयाब हो जाएगा। पिछले 6 महीने में 6000 से ज्यादा की जो हमारी टीम बन चुकी है, वो इसी वजह से, जो इस नियम पे चलते चले जा रहे हैं लोग, उनके साथ में कामयाबी हम सबकी होती जा रही है। तो दोस्तों, जब हमारी टीम बन रही है, उस टीम में हमारे पास 4 कैटेगरी के लोग आ रहे हैं। पहले कैटेगरी के व्यक्ति हैं जिनको बोलते हैं लीडर, वो पुरानी किसी कंपनी में या तो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, वो जानते हैं ह्यूमन मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट कैसे करनी है, उनको कंपनी प्रोडक्ट प्लान के बारे में सब कुछ पता है और उसे पता है काम कैसे करना है। इस तरीके का जो व्यक्ति है, उसके उसको एक ही चैलेंज आएगा, बस एक चैलेंज। वो क्या आएगा? उसको वो चैलेंज आएगा कि वो वहां पे जो उसकी टीम बन रही है, क्योंकि कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट के स्टोर नहीं है हमारे पास में, तो वो स्टोर ना होने के कारण प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का चैलेंज आता है। तो एक लीडर की जिम्मेदारी ये है कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराए। लीडर को या तो 50,000 के स्टोर का अरेंजमेंट करना चाहिए, और जो 50,000 का स्टोर है या 5 लाख का स्टोर है, वो उसे खुद नहीं लेना है यार, ठीक है? मजबूरी हो, बहुत मजबूरी हो, चौथी कैटेगरी का व्यक्ति ना मिले। 4 कैटेगरी कौन होते हैं उसको एक्सप्लेन बाद में करूंगा, कैटेगरी पहले बता रहा हूं ताकि समझ में आएगा। पहला है आपका लीडर, दूसरा है फॉलोअर, तीसरा है कंज्यूमर और चौथा है स्टोर कीपर। तो स्टोर कीपर कुछ नहीं करता, वो सिर्फ सामान लेकर के ट्रेडिशनल तरीके से अपनी दुकान खोल के माल बेचेगा, क्योंकि स्टोर के भी अपने चैलेंजेस हैं, माल मंगवाना है, डिलीवरी है, ये है, वो है, लीडर उसी में फंसा रह जाएगा। तो लीडर की जिम्मेदारी है कि या तो वो स्टोर का अरेंजमेंट करे, अगर उसके पास स्टोर नहीं है तो 5,500 बिजनेस वॉल्यूम से अपना बिजनेस शुरू करे, 500 बीवी घर पे ले जाए, बाकी का 5,000 बिजनेस वॉल्यूम वो अपनी टीम के लिए रखे, और जहां जहां वो प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए जाए, वहां अपने टीम के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल कराए। ये लीडर की जिम्मेदारी होती है। दूसरा, प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल पे उन लोगों को सब्सक्राइब कराए, और जो एक वीडियो, सॉरी एक मैसेज मैंने बनाया हुआ है जिसमें 11 वीडियो डाले हुए हैं और शायद 12वां भी उसमें डाल दूंगा, तो वो मैसेज उस तक पहुंचे, राइट और वीकली जो हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल होती है उस पे वो अपनी टीम की कॉन्फ्रेंस कॉल कराए। और हम जूम ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं, उस जूम ट्रेनिंग पे हर वीक में हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग और इस तरीके की, अभी एक ट्रेनिंग शुरू हुई, आने वाले दिनों में हम वीक में 3 बार हम लोग करेंगे इस तरीके की मीटिंग्स, ओके? तो उनमें उनको शामिल कराना, बस इतना काम है उसका, राइट। अब जो दूसरा व्यक्ति है जो उस लीडर का फॉलोअर है, वो अपने लीडर के हिसाब से चलता है, जैसा लीडर कहता है वैसा करता है, ये सारा सब कुछ उसी के हिसाब से करते हैं। तो उसकी जिम्मेदारी है कि 5,500 बिजनेस वॉल्यूम से अगर वो शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना ज्यादा नहीं बड़ा काम करना पा रहा है या उसके पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो फॉलोवर वाला जो व्यक्ति है दोस्त, उसको कम से कम 2500 बिजनेस वॉल्यूम के सामान से बिजनेस शुरू करना चाहिए। दो फायदे होंगे, एक तो लीडर को बार बार सामान ज्यादा ढोके नहीं लाना पड़ेगा, और दूसरा उसके पास खुद भी प्रोडक्ट होंगे, वो प्रैक्टिस कर सकता है तीसरे कैटेगरी के लोगों पे जिन्हें बोलते हैं कंज्यूमर। उसे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ सामान ले सकता है क्योंकि वो आपका यारा प्यारा भाई बंधु सगा संबंधी है, और वो सिर्फ आपसे इसलिए सामान ले रहा है क्योंकि आपकी दुकान है, और आपकी दुकान से वो सामान ले लेगा क्योंकि वो कहीं और से ले रहा था। आई बात समझ में? तो आपको यह समझना होगा कि आपका जो बंदा है ना, जो कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर को आपने सामान देकर के प्रैक्टिस करनी है। अगर आप फॉलोअर हो तो उसे प्रोडक्ट की जानकारी आपको हो जाएगी, उसे प्लान भी बता सकते हो, उन्हीं में से आपको बंदे निकलेंगे। ये डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी बेसिक समझना है। तो उसे या तो 2500 बिजनेस वॉल्यूम से काम शुरू करना है, हर हालत में इतना तो उसके पास होना चाहिए, 5500 से करे तो बहुत अच्छी बात है, राइट क्योंकि उसके भी टीम बनने वाली है, या तो कंज्यूमर की बनेगी या उसके साथ में उसी के जैसे और भी फॉलोअर्स उनकी टीम में आएंगे और वो सामान उनको चाहिएगा।
फिर तीसरी कैटेगरी कंज्यूमर, उसे कोई मतलब नहीं है, उसको या तो आप 2500 रुपए से शुरू कराओ जो कंसिस्टेंसी है, 2500 का सामान लो सातवें महीने फ्री, या तो वो इतना उसको समझाओ कि वो 2500 रुपए का सामान लेकर के महीने में आपके कंज्यूमर आपको बीवी दे, और लास्ट टू लास्ट 500 बीवी से तो शुरू कराना है। तो लीडर को कम से कम एक स्टोर का रेंज करना चाहिए, अभी नहीं हो पा रहा है तो 5500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान उसके पास होना चाहिए, बाद में वो सामान लेके आ सकता है स्टोर वाले से बात करके और बाद में बिलिंग कटवा सकता है, पर 5500 बिजनेस वॉल्यूम उसका होना चाहिए। एक पॉइंट की गारंटी एक लीडर की होनी चाहिए कि हाँ भाई मेरा बनेगा, और ऐसे ही फॉलोअर की भी होनी चाहिए कि वो उसका एक पॉइंट बनवाएगा, राइट। बेच खुद घर नहीं ले जाना वो सामान, ये सामान क्योंकि अभी नई कंपनी है तो आपको स्टोर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए शुरू में ये काम, हम पुरानी कंपनी में थे तो उनके एमडी ने भी बताया कि मैं गाड़ियों में सामान लेके जाता था, है ना, सिद्धार्थ सर जो आज नेटवर्क मार्केटिंग के किंग कहे जाते हैं, उन्होंने भी बताया कि शुरुआत में जुड़ने का फायदा ये होता है टीम बहुत बड़ी बन जाती है, बस प्रोडक्ट अवेलेबल करा देना चाहिए, बस फिर सारा काम होता है। फोर्थ कैटेगरी का स्टोर वाला है, तो आपको ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये बड़े ध्यान से समझना है। लीडर की जिम्मेदारी है 5500 बिजनेस वॉल्यूम, फॉलोअर की जिम्मेदारी है 2500 बिजनेस वॉल्यूम, और कंज्यूमर को 2500 रुपए से या फिर 500 बीवी से, जैसे भी जैसा कंज्यूमर है उसको फोर्स नहीं करना, राइट। और दूसरा, अपनी टीम को कैटेगराइज करके रखिए। 95% लोग कंज्यूमर को फोर्स करते हैं कि वो उनके बिजनेस प्लान में आए, ज्यादा दो ही कारण होते हैं जो कंज्यूमर नेटवर्क मार्केटिंग से सामान नहीं लेता। पहला कारण तो अभी तक महंगा मिलता था, दूसरा वो लेता भी था श्रम से, तो उसे वो सपने तू पूरे कर सकता है, तू कर, तू मेरे साथ सेमिनार में चल, तू मेरी मीटिंग में चल। अब यार कंज्यूमर को पहचानो, अगर वो लायक नहीं है लीडर बनने के, नहीं बनना चाहता, तो उसके पीछे मत पड़ो, उससे लाला की तरह खुश रखो। और भाई साहब ठीक हो? हाँ भाई साहब, भाई साहब वो पिछली बार का सामान खत्म होने से पहले बता देना, 2-3 दिन लग जाते हैं, अभी मैं दूर से लाता हूं सामान तो टाइमली आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करा दूंगा। और अपने पास में दुकान है, अपने पास में 2500 या 5000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान है, तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास घर पे रहता भैया, भाभी जी को या बच्चों को भेज देना, या तो या मुझे फोन कर देना, आपके माल पहुंच जाएगा। तो ज्यादा दूरी पे कंज्यूमर नहीं बनाना है, ज्यादा दूरी पे कंज्यूमर नहीं बनाना है, अपने जगह जगह पे या तो फॉलोवर या लीडर को प्लेस करते जाना है, और उनको प्रॉफिट गुरु होके लाइव यूट्यूब चैनल से कनेक्ट करना है, वीकली मीटिंग से कनेक्ट करना है, जूम ट्रेनिंग से कनेक्ट करना है, और इनका इस्तेमाल सीखना होगा, लीडर को भी और फॉलोअर को भी, कॉन्फ्रेंस कैसे करनी है, जूम मीटिंग कैसे करनी है। ये नया जमाना है, नए जमाने में लोग ना तो घर पे हैं ना ऑफिस में है, वो सिर्फ इस छोटे से गैजेट मोबाइल में मिलते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ, तो इसलिए इस मोबाइल का भरपूर इस्तेमाल करो, आपको पैसा नहीं खर्चना यार, आपको आपको बाइक पे, गाड़ियों में, मोबाइल पे बात करिए। बात कैसे करनी है उसका वीडियो भी, नए बंदों को कैसे अप्रोच करना है, पुरानों को, नेटवर्करों को कैसे अप्रोच करना है, वो मेरे उस मैसेज में है। तो आपको बड़े ध्यान से पैसा बचाना है शुरुआत में और काम को बढ़ाना है, तो आप वीडियो के माध्यम से लोगों को भेजिए और उनको ट्रेनिंग भेजिए, और जब 10-20 लोग हो जाए तो उनको जो है हर हफ्ते तो लगाना ही है, चाहे आपके पास एक भी बंदा है ना टीम में जो काम करना चाहता है, चाहे वो फॉलोवर है चाहे वो लीडर है, काम सिर्फ दो ही बंदों से कराना है, फॉलोवर और लीडर से। कंज्यूमर से बंदों से बंदे निकालने होते हैं। मैंने HDFC SLIC में मैं ब्रांच मैनेजर रहा और मैंने 20 साल का जो एक्सपीरियंस रहा सेल्स मार्केटिंग का, बंदों से बंदे निकालना सीखो यार। मैंने प्रॉपर्टी का जब काम किया था तब भी कंज्यूमर से कंज्यूमर मिलते हैं यार। तो आप होम मीटिंग्स पे फोकस करिए, मेक श्योर करिए कि आपने जो कंज्यूमर बनाया वो लोगों से मिलवा देगा। तो आप अपने जानकारों के घरों पे होम मीटिंग करिए, हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाइए, और साथ में ये भी बताइए आपकी जरूरत का सामान जो आप कहीं से लेते हैं, दोस्त आज से मेरी दुकान से लेना है, राइट। तो ये चार कैटेगरी है, चार कैटेगरी में प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, लीडर को ये पक्का करना चाहिए, चाहे कैसे भी उसके पास सामान अवेलेबल होना चाहिए, और जिन फॉलोअर्स को वो लाया है उन ऐसे लोगों को काम कराने का वादा कर ले जो एक पॉइंट की गारंटी देते हैं। फॉलोअर की ये जिम्मेदारी है कि वो एक पॉइंट अपना बनाएगा, 5500 बिजनेस वॉल्यूम, चाहे वो अपने कंज्यूमर से बनाए या अपने साथ में अपने जैसे फॉलोअर्स या लीडर्स लेकर के बनाए, क्योंकि लीडर की तो कोई समस्या नहीं है, लीडर तो अपने पॉइंट बना देता है, फॉलोअर के साथ में यह है कि वो बस लीडर की तरह काम करने की ढोंग करता है, वो बड़े लीडर को पकड़ने की बस कोशिश करता है। हाँ, बड़े लीडर होने चाहिए, आपके लिस्ट में ऐसे लोग होने चाहिए जो लगेगा यार ये तो नहीं आएगा, लेकिन आ गया तो कमाल हो जाएगा, लेकिन मेरे दोस्तों निरा निरी उन्हीं के पीछे नहीं लगना है,
खाली नेटवर्करों के पीछे नहीं लगना है, हर एक आदमी की अपनी क्षमता है। आप अपनी क्षमता समझिए। अगर आपको लगता है कि लीडर ने कोई सवाल पूछा और आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उसकी ट्रेनिंग आप लेते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे कॉन्फ्रेंस में आइए, हमारे जूम ट्रेनिंग में आइए, अपने आप को ऊपर बढ़ाइए नॉलेज के हिसाब से। लेकिन उस समय के दौरान तक कम से कम जो शुरुआत है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कही जाती है, और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है डायरेक्ट कंज्यूमर बनाना, सामान कंपनी से कंज्यूमर को पहुंचाना, चाहे वो एमवे हो, चाहे वो हर्बल लाइफ हो, चाहे वो कोई भी बड़ी कंपनी देख लो साहब, वो उसने माल तो बेचना पड़ेगा शुरुआत में। शुरुआत में अपने कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर से ही लोग निकलेंगे, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मेरे भाइयों, आप अपनी कैटेगरी छांटिए, आपकी कौन सी कैटेगरी है। आप एक शॉपकीपर हो और आप किसी शर्मा शर्मी लगे पड़े हो, तो साहब अपने शॉपकीपर हो, आपकी योग्यता धीरे धीरे बढ़ेगी, अपने शॉप पे ध्यान दीजिए और अपना सामान अवेलेबल कराने की कोशिश करिए। आपके पास फिर आप एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के बारे में सोचिए, ठीक है। आप शॉपकीपर हो तो आप, आपको क्या लग, बाकी के तीन लोग इकट्ठा करने हैं। आप एक कंज्यूमर हो तो कंज्यूमर अगर चाहता है कि यार मैं चाहता तो हूं कमाना, पर मेरे बस की तो नहीं है ना, मैं कुछ करूंगा, पर मैं कुछ लोगों से मिलवा दूंगा, तो आप बाकी के तीन लोगों से अरेंज कराने की कोशिश। कंज्यूमर कंज्यूमर ही मिलवाएगा ज्यादातर, तो कंज्यूमर कंज्यूमर मिलवाता जाएगा, उनमें से कोई लीडर निकलेगा, वो अपने साथ में फॉलोअर या लीडर बनेगा, उसे ट्रेनिंग दे देंगे, राइट। तो ये समझना है और इस चीज को समझ करके काम करना है। पहला, आप देखिए कि आप लीडर हो तो आपको 5500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान अपने पास रखना है, या फिर स्टोर का जुगाड़ कराइए, और उसके बावजूद भी आपके पास सामान होना चाहिए, क्योंकि जब आपका फॉलोअर है वो 2500 बिजनेस वॉल्यूम से शुरू करेगा कम से कम, तो आपके पास सिर्फ दो ही लोगों के लिए सामान हो सकता है, राइट। तो ये समझ के चलिए कि आपको किस तरीके से, हाँ 500 बीवी लेकर के घर पे चले गए, काम शुरू कर लिया और आपके पास सामान ही नहीं है, फिर बैठे रहो, माल आएगा तब, टीम तो बन गई, आइडिया लग गई, माल एक्टिवेशन नहीं हुआ, आईडी एक्टिवेशन नहीं हुई, क्यों? क्योंकि आपने बिजनेसमैन के रूप में अभी तक समझाई नहीं है चीज को। समझ में आ गई ना बात, अभी क्या हो रहा है? तो अगर इससे सोल्यूशन पाना है, तो जो आज समझाया है, आपके पास लीडर हो तो माल होना चाहिए, फॉलोअर हो तो माल होना चाहिए, और कंज्यूमर को कंज्यूमर की तरह ट्रीट करिए, हैप्पी रखिए, उनसे लीड निकालिए, उनको प्रेशराइज मत करिए लीडर बनने के लिए, राइट। उनको, सर मेरे पास तो इतनी बड़ी टीम है, अरे उनमें छांटो ना टीम में से, टीम किसे बोलते हैं? टीम लीडर या फॉलोअर की है, बाकी तो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की टीम है वो, उसके साथ कंज्यूमर वाला व्यवहार करना है। कंज्यूमरों से मिलवा दिया जाता है लीडर को, सर मैं 50 लोगों की मीटिंग कराने जा रहा हूं आपकी, बहुत ग्रेट बात है, उन 50 में से जरा बताना लीडर कितने हैं, दो, तो सर दो लोगों की मीटिंग कराने जा रहे हो, कंज्यूमर की अलग मीटिंग कराओ, कंज्यूमर को अलग से बुलाइए और उनको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दिलाइए, देखिए फिर आपका बिजनेस कहां जाएगा, आपका कंज्यूमर आपका कितना माल लेकर के चला जाएगा। लीडर की अलग मीटिंग कराइए, लीडर को इस तरीके की बातों की जानकारी देनी है, उसे शाम दाम दंड भेद सिखाना है। कंज्यूमर के सामने ही तुम शाम दाम दंड भेद सिखवाओगे अपने लीडर्स को, तो कंज्यूमर बोलेगा यार ये तो पागल है, कोई दुकानदार कभी भी किसी कंज्यूमर के सामने अपने राज बताता है क्या? समझ रहे हो? तो ये गलती कभी नहीं करना, कंज्यूमर कंज्यूमर रहेगा, फॉलोअर को लीडर बनना है इसलिए उसे सिखाना होगा, और लीडर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम को सिस्टम से अलाइन करके रखे, और सिस्टम है ओके लाइफ केयर का, प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ, यहां से सारी जानकारी मिलेगी। और ये वीडियो तब तक देखने हैं सारे जब तक आप मेरी तरह वीडियो बनाने ना लग जाओ, मेरी तरह इन बातों को, वीडियो चलो शर्म आती है नहीं भी बना पा रहे हो तो बोलने ना लग जाओ, अपनी टीम के सामने कॉन्फ्रेंस कॉल करने ना लग जाओ, राइट। तो उम्मीद करता हूं आज आपकी समझ में आया होगा, और अपनी टीम तक ये बात पहुंचाइए, वीडियो पहुंचाइए, और हर हफ्ते कॉन्फ्रेंस कैसे भी करके मेरे से बात कराइए, मैं आपके साथ हूं, आपके सारे लीडर्स आपके साथ हैं, जो जो लीडर्स कॉन्फ्रेंस करने में योग्य होते चले जाएंगे वो अपनी मीटिंग अलग से करिए, और वो हमसे भी कॉन्टेक्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू सक्सेस, जय हिंद जय भारत।